डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स आप लोगों को मैं डील करने वाला हूँ जो आप मास्टर्स के बाद कर सकते हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एज स्टूडेंट की तरह भी बात करूँगा, और ऐसा भी बात करूँगा कि क्वालिफाई करने के बाद चीज़ें क्या क्या दरवाजे खुल जाती हैं, उन चीज़ों को भी मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करने का प्रयास करूँगा। तो इस तो मैं बिल्कुल फिट बैठ गया कि मैंने इस वेबिनार के लिए मैंने व्हाट नेक्स्ट लिखा है। मैंने स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये तो क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सब चीज़ों के दिमाग पे, स्टूडेंट के दिमाग पे ज़रूर अच्छे से रहता है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर MSc इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस, और सेम चीज़ मैंने शायद सही पढ़ा और यही चीज़ मेरे को अभी भी देखने को मिला। तो ये सबके दिमाग पे कि व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस नेक्स्ट को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ आपको अपने दिमाग से हटा देनी है, वो है कि आपको स्वयं के ऊपर डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि हम स्वयं के ऊपर डाउट कर रहे हैं या सेल्फ डाउट कर रहे हैं तो हम उसी बोझ के ऊपर बिल्कुल ही दबे तले रह जाते हैं। जब हमारे पास खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, अगर आप एक ग्लास में भी पानी डाल रहे हैं तो अगर आपके पास वो फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आप ग्लास में भी पानी नहीं डाल सकेंगे। मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा था। और सबसे पहली चीज़ आप सेल्फ डाउट को अपने से हटा दें कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। इसका ऑल इंडिया रैंक इतना था, इतना सारा सुन लिया है, उसके बाद ये हमसे नहीं हो पाया, हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यही होती है, अरे वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम था, ये था वो था, नहीं। सबसे पहले सेल्फ डाउट को आप लोग हटा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, ये फीलिंग जो आपको लानी है, और शुरू से आखिरी तक जब तक आपको आपके गोल तक नहीं मिल जाए, आपको ये फीलिंग लानी है जब आपको फाइनल एग्ज़ाम्स में आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि आपका 2 दिन पहले एग्ज़ाम रहता है और आपने साल भर तैयारी नहीं करी है, तब वो 2 दिन में क्या सा जादू आता है और कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है पता नहीं, लेकिन आप उस 2 दिन में पूरे ईयर की कैपेसिटी 1 दिन में कवर कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ लेके आ जाएंगे तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे उसमें 1 सीट क्यों ना हो, चाहे उसमें 2 सीट क्यों ना हो, या पूरे इंडिया में कोई 1 सीट ना हो, आप उन सब को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस यही थिंकिंग आपको लास्ट तक रखनी है। इस लेक्चर को मैं एज ए लेक्चरर पे यह बात नहीं करूँगा, आप इस चीज़ को ध्यान पे रखिए कि अगर हम लोग आज किसी चीज़ को सुन रहे हैं और कर रहे हैं तो आज हम लोगों को एक चीज़ ठाननी है कि हमको यही करना है। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये जान लो कि हमको एक चीज़ ठाननी है कि हमको यही करना है। एक गोल को फिक्स कर दीजिए कि हमको यही करना है, फिर चाहे दुनिया में कोई भी रोड़े आए, आप बिल्कुल ही उस चीज़ों को, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस आए, आपको बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए, हिलना ही नहीं चाहिए। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अगर आप कवर कर पाएंगे, दूसरे का नहीं सुनना कभी भी। इन्फ्लुएंसिंग ज़माना है आज के डेट पे कि अरे यार वो ये कर रहा है तो मैं भी यही कर लेता हूँ, लेकिन हम केवल फैशन की तरफ नहीं जाएं, हम इस चीज़ को ठान लें कि हम ये कर सकते हैं और हमको यही करना है। तो इन दोनों चीज़ों को, इस एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को, आपके पास और आप लोगों के दिमाग में केवल यही क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर MSc। तो सबसे पहले ये चीज़ तो आपके पास ऑटोमेटिकली एज वाइज आ जाएगी कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो हम नॉन गवर्नमेंट जॉब में भी अपना करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ दुनिया में छोटी नहीं होती है ना। तो हमारे पास 2 चीज़ें ये चीज़ें रहती है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले इस टॉपिक को मैं लास्ट में लेना चाहूँगा। और सबसे पहले हमको बेसिकली अभी क्या करना है, बेसिकली अभी हम लोगों को करना है वो है, आपको केवल एक चीज़ टारगेट करना है, आपको सभी चीज़ एक साथ मिल सकता है। आप MSc पास आउट होए, और MSc पास आउट होने के बाद आपको वो पूरे एग्ज़ाम्स मिल जाएंगे जितने भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कुछ भी हो। तो आपको केवल टारगेट एक ही चीज़ के ऊपर करना है,
और वो चीज़ है CSIR UGC NET। अगर आप CSIR UGC NET कवर कर सकते हैं तो आपकी स्क्रीन में, मैंने स्क्रीन में जितने भी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो सब आप क्लियर कर सकते हैं। शायद कई लोगों ने नाम नहीं सुना भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, CSIR UGC NET, कई लोग सुने होंगे, शायद प्रीवियस वाले भी हमारे साथ लिंक्ड है। तो नेट इज़ नॉट इंटरनेट, है ना। तो अगर आप CSIR UGC NET को टारगेट कर रहे हैं तो आप ये पूरे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, पूरे एग्ज़ाम्स। और ये एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई कर गए तो आप बिल्कुल उस कॉन्फिडेंस के साथ उस डोर स्टेप पर एंटर कर गए जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की आवश्यकता है। इनडायरेक्टली आपको खोज खोज करके लोग बुलाएंगे कि आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। अगर आपके रैंक बहुत अच्छे हो और आपने इन एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लिया, डैम श्योर अगर आप कहीं भी अप्लाई करेंगे आप कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे, 100% बात है ये। मैं अप्लाई कर चुका हूँ, इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले टारगेट करना है CSIR UGC NET को। अगर आप इस चीज़ को टारगेट करेंगे तो CSIR UGC NET को ही मैं सबसे पहले टारगेट करना चाहूँगा इस पूरे लेक्चर में, और ये पूरी चीज़ों का बेस स्ट्रेटजी रहेगा। तो अगर आप UGC NET क्वालिफाई करते हैं तो आपको दो चीज़ें मिल सकती है, एक आपको कुछ दिख रहा होगा JRF ऐसा करके, और एक आपको देखने को मिल रहा होगा लेक्चररशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो JRF क्या है, CSIR UGC जो है वो गवर्नमेंट की बॉडी है जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से इंटरलिंक्ड रहती है, और इनमें जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं वो UGC CSIR रेस्पॉन्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं उनमें, ठीक है। तो JRF क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये इस बॉडी के द्वारा एक लेटर दिया जाता है ताकि आप MSc करने के बाद आपकी फर्दर PhDs या रिसर्च जो है उसके लिए आपको ग्रांट मिल सके, और एक अच्छी जगह से, अच्छी इंस्टीट्यूट से आप बहुत अच्छे से अपने PhD परस्यू कर सकते हैं। PhD परस्यू करने का उद्देश्य यह है कि आप रिसर्च फील्ड्स के जितने भी एरियाज हैं वो सबको ओपन कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप JRF हो गए CSIR UGC NET से, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकेडमिक्स में नहीं आ सकते। आप 100% एकेडमिक्स पे आ सकते हैं। अगर आप JRF है तो आप एलिजिबल लेक्चररशिप के लिए भी है कि आप अपने स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी उस स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है या फिर पूरे इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी होती है, इस कारण से सबसे पहले मैंने आपको एलिजिबिलिटी की बात करी, और ये एलिजिबिलिटी पूरे नेशन वाइड स्टूडेंट्स के साथ होती है, इस कारण से इनको कहा जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि CSIR और UGC के द्वारा कराई जाती है। अब आपके दिमाग पे आ रहा होगा कि इसके लिए मेन एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, आप चाहे माइक्रोबायोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन करें, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन करें, चाहे आप बॉटनी से या फिर जूलॉजी से या वेरियस अदर स्ट्रीम्स से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आपको MSc पास होने के बाद, मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को बता रहा ताकि, क्योंकि मेरे को ये चीज़ इस समय पता नहीं थी जिस समय मैं जब ये चीज़ों को कर रहा था। आप MSc पास आउट होने का वेट बिल्कुल भी ना करें, आप सीधे सीधे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाएं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जिस चीज़ में MSc कर रहे हैं वो 100% आपके लिए इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए फ्रूटफुल रहेगा। जिनका MSc बहुत अच्छे से स्टडी हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने टारगेट किया है, 100% वो इन एग्ज़ाम्स के लिए दो कदम दूसरों से आगे हो जाएगा, जो उन्होंने पहले कभी भी सोचा नहीं है इस
एग्ज़ाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम में ध्यान पर रखना पड़ेगा, चाहे आप एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट क्यों ना हो, एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप सीएसआईआर क्वालिफाई करते हैं, आप क्वालिफाई करने के बाद उसके सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 इयर्स के अंदर आपको एमएससी की सर्टिफिकेट मिल जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप फर्स्ट ईयर में भी हैं अगर एमएससी के, तभी भी आप इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, और सीधे डायरेक्ट पास आउट होने के बाद डायरेक्टली आप पीएचडीज और रिसर्च फील्ड और असिस्टेंट प्रोफेसर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान पे हटा दीजिए, अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हमको एमएससी पास होना है तब इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। आपके पास जो सिलेबस दिया गया है वो 100% आपको सीएसआईआर नेट में यूज़फुल होगा, आपको केवल उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, ऐड ऑन पैक आपको तैयार रखना पड़ेगा। आपकी जितनी छोटी छोटी चीज़ है आपके पास, वो टेस्ट ट्यूब से लेकर के आपके एग्ज़ाम के वो लास्ट में लिखे हुए बैक्टीरिया या वेक्टर, वो सब काम आपके पास आएंगे और वही काम पे आएगा जो आपने एमएससी में पढ़ा है। ये मैं आपको दावा ठोक के बोल सकता हूँ। आप जितनी भी तैयारी कर ले, आपका जो एमएससी है और बीएससी है वही लास्ट में आपको याद आएगा और यही आपको नैया पार करवाएगा। तो यूजीसी सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करने के लिए आप वेट ना करें कि आपकी एमएससी पास आउट हो जाए, उसके बाद मैं 6 महीने का गैप लूँगा, उसके बाद फिर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई, और अभी फ़िलहाल कंडीशंस के अनुसार एक एग्ज़ाम बीच में ये स्किप हो चुका है, वो बॉडी कवर अप कर लेंगे, वो उनकी टेंशन है। आपको ध्यान पर रखना है कि ये एग्ज़ाम ट्वाइस इन ईयर होता है, आपको साल में 2 मौके मिलेंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ कि आपको एमएससी पास हुए और आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से बता लें, आप टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो सीएसआईआर के 2 क्राइटेरिया मैं आपको बताया, एक जेआरएफ और एक एलएस। एक ही एग्ज़ाम से आपको 2 चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तब आपको लेक्चररशिप और जेआरएफ दोनों ही एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आप लेक्चररशिप क्वालिफाई करते हैं तब आपको मैं बोल सकता हूँ कि आपको रिसर्च एरिया में जाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, है ना, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आप वेरियस जगह अप्लाई करिए, आपको, मैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी जानता हूँ जो सीएसआईआर नेट एलएस को भी लेते हैं, डायरेक्टली उनको चाहिए कि आपके पास एक एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, आप सीधे से आप उन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, है ना। तो ये एग्ज़ाम्स 2 क्राइटेरिया में बढ़ गए मार्क्स के अकॉर्डिंग। जिनके हायर मार्क्स होते हैं ना उनको हम जेआरएफ क्वालिफाइड कहते हैं। एक कट ऑफ डिसाइड हो गया कि आप लेक्चररशिप के लिए आप इतने लोगों को क्वालिफाई करते हैं, उनके पास जितनी भी सीट्स होती है, है ना, सीएसआईआर के पास, क्योंकि सीएसआईआर का पेपर जो होता है वो मुख्यतः लगभग 5 सब्जेक्ट्स में होता है और साइंस से रिलेटेड ही सब है। उनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो लाइफ साइंस का होता है, और लाइफ साइंस जो है वो सभी स्ट्रीम वाले दे सकते हैं, चाहे वो बेसिक बायोलॉजी के हो चाहे वो अप्लाइड बायोलॉजी के हो, वो सब दे सकते हैं और वो सब क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद आप सभी जगह एलिजिबल है। तो ये 2 क्राइटेरिया आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस क्या होता है, आपने तो चीख चीख के बोल दिया कि एमएससी का जो सिलेबस है वो हमारे लिए सफिशिएंट, और आपने कुछ ऐड ऑन पैक की बात करी है। वो ऐड ऑन पैक के बारे में बताऊं तो मैंने डायरेक्टली सीएसआईआर के वेबसाइट से इस सिलेबस को मैंने निकाला है। आपके पास मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रेलिवेंट टू द बायोलॉजी, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले जोन्स में, तो पूरा बायोकेमिस्ट्री का जितना भी पार्ट है वह पूरा का पूरे इस यूनिट 1 पे आ जाता है। तो पूरे लाइफ साइंस को हम लोग टोटल 13 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, और 13 यूनिट्स में हर एक यूनिट का एक रेस्पेक्टिव इम्पोर्टेंस है।
तो सबसे पहला यूनिट आपको क्या देखने को मिल रहा है, बायोकेमिस्ट्री का। इससे आप लोगों को जो सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, आपको वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज जो आपने पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस आपने कितना अच्छे से उन सबको पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ लिया केवल ग्लूकोज से, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट केवल हेक्सोकाइनेस हो गया, लेकिन हेक्सोकाइनेस क्या होता है, यही सब एड ऑन है आपके लिए। ग्लाइकोलाइसिस क्या हमेशा ही ऑन रहता है? अगर ग्लाइकोलाइसिस हमेशा ही ऑन रहे तो वो बेचारा शरीर तो गड़बड़ हो जाएगा, कंटिन्यूसली ग्लूकोज टूटने लग जाएगा तो समस्या हो जाएगी ना। तो उसका ऑन ऑफ मैकेनिज्म किस तरह से वो ऑन ऑफ होते हैं, तो आपको रेस्पेक्टिव सभी टॉपिक्स के डीप में जा कर के उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। आप पढ़ क्या रहे हैं और क्या आप सोच रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उस आपका परसेप्शन क्या है और आपकी रीडिंग क्या है, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट आप लोगों के पास रहेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सेकेंड और थर्ड यूनिट आपको दिख रहा है वो बेसिकली, और फोर्थ यूनिट वो बेसिकली सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही है। आपने कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है, आपके पास पूरा यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होता है, डिटेल्ड सिलेबस है आपके पास, ठीक है? तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? फिफ्थ आप देख सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और उसके बाद आपको प्लांट सिस्टम और एनिमल सिस्टम देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको एक एनिमल के डेवलपमेंट्स और प्लांट के डेवलपमेंट दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, और फिजियोलॉजी प्लांट और एनिमल दोनों को ही देखना होगा। तो एक माइक्रोबायोलॉजी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी छूट जा रहा है हमको थोड़ा सा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी इज कनेक्टेड टू प्लांट, 100% कनेक्टेड है, और जूलॉजी जो है वो कनेक्टेड है एनिमल से, बायोटेक से, सॉरी, है ना, बायोटेक जूलॉजी से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। और मैं इस बात में कहने में संकोच ये नहीं करूँ कि आपने प्लांट फिजियोलॉजी तो भी अपने पेपर में पढ़ा होगा, आपके पास डिज़ाइन ऐसे सिलेबस है जो आप सब एरियाज को कवर कर रहे हैं। उसके बाद आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, आपके पास माइक्रोबियल जेनेटिक्स है और आपके पास बायोटेक में भी जेनेटिक्स है। आप उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन पैक रहेंगे जो कि आपको इकोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, हमने ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर डिफरेंट फाइलम्स जूलॉजी में पढ़ के रखा हुआ है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारे पास एक यूनिट इवोल्यूशन, और उसके बाद आप जितने भी अप्लाइड बायोलॉजी है कि आपके इंस्ट्रूमेंट कैसे, आपके इंस्ट्रूमेंट किस टेक्निक के ऊपर काम करते हैं, उस मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर वो आ जाएंगे। अप्लाइड बायोलॉजी में आप लोगों के लिए बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब पूरे सब्जेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पूरा एक यूनिट वाइज आप लोगों के पास लाइफ साइंस का देन सिलेबस है। आप CSIR के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उसके अंदर के पूरे डिटेल सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये सिलेबस की बात हुई, आप देख सकते हैं कि आपके साथ 100% कहीं ना कहीं से ये मैच कर रहा है। आपको केवल इनके प्रोस्पेक्टिव एरियाज को धीरे धीरे ओपन करते जाना है ना। आप कभी ये ना सोचे कि जो भाई ये क्वेश्चन हम पेपर निकाले, दो दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये एग्ज़ाम पिछले बार, ये वाला क्वेश्चन पिछले बार में आ चुका था, अब इस बार नहीं आएगा, तो हम उनको छोड़ देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरे चीज़ें बहुत ईमानदारी से पढ़िए, आप जितने भी चीज़ें ईमानदारी से पढ़ेंगे आप 100% इन एग्ज़ाम्स को निकाल लेंगे, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आपके पास जितने सारे चीज़ें आपको डराने के लिए प्लांट एनिमल सब चीज़ रहे, लेकिन अभी भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, आप सोच रहे होंगे तो हमारे पास टोटल इस एग्ज़ाम में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, और हमारे पास रेस्पेक्टिव जो है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट पे डिवाइडेड है। तो अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ तो पार्ट ए जो है वो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। हम बायोलॉजी स्टूडेंट होने की वजह से हम लोग जिस मैथ्स को छोड़ दिए थे वो मैथ्स आ करके यहाँ से पकड़ लेगा। तो आपको अपनी रीजनिंग एबिलिटी और रिसर्च एप्टीट्यूड्स, थोड़ा ग्राफ को आप किस तरह से डील कर सकते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सिंपल साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके पास टोटल इस सेक्शन में 30 क्वेश्चंस रहेंगे,
टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और इस 20 में आपको 15 क्वेश्चंस ही बनाने हैं। इस 20 में आपको केवल और केवल 15 क्वेश्चंस ही बनाने हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेंगे और इसमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चंस बनाने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक, तो 30 मार्क्स इसके हो गए केवल पार्ट ए से। अगर आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है तो आप 30 मार्क्स आराम से इस तरह से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट ए में 30 में से 25 या 20 स्कोर कर दिया तो आप 20,000 लोगों को पीछे कर दिए। 20,000 तो मैं कम ही लोगों को बोल रहा हूँ, आप 100% उन सबको पीछे छोड़ सकते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वेरियस मेडिकल एग्जाम्स में देखा था। तो आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको कोई भी 35 क्वेश्चंस इनमें सॉल्व करने हैं। कोई भी 35 क्वेश्चंस, इतना छूट कोई भी एग्जाम नहीं देता कि आपके पास 50 क्वेश्चंस है और आप 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी, आपको पूरे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपने पूरे अटेम्प्ट कर दिए तो आपके शुरुआत के ही 35 क्वेश्चंस आपको देखने को चेक होंगे बस। और इसमें जो टोटल मार्क्स है इसमें भी आप लोगों को 2 मार्क्स अवार्ड होंगे और 70 मार्क्स आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। तो 30 मार्क्स पार्ट ए सेक्शन में और पार्ट बी में आपको 70 मार्क्स मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। अब पार्ट सी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 75 क्वेश्चंस रहेंगे और ये बेसिकली पूरा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन के ऊपर डील करेगा। क्या आपने इस टेस्ट ट्यूब इस कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन में H2SO4 डाल दिया, उसके बाद एंथ्रोन रिएजेंट आपने डाल दिया तो आपको ये कलर मिल रहा है, तो आप बोल रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो जितने भी एप्लीकेशन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों को इसमें डील करने को मिलेंगे और आप कोई भी 25 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो 75 में 25 क्वेश्चंस कितना ईजी है, एकदम सिंपल। और इस 25 क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन में मार्क्स अवार्ड होंगे 4। इस कारण से ये वाला पार्ट जो है वो क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पार्ट सी में आपके पास 100 मार्क्स है 25 × 4, तो 100 मार्क्स इसके और 100 मार्क्स पार्ट ए और पार्ट बी को मिला करके 200 मार्क्स टोटल ये एग्ज़ाम होता है। टोटल 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और आपको 200 मार्क्स में अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर आप 50% से 55% लेकर के आ रहे हैं तो अगर आपका थोड़ा सा लक फैक्टर अच्छा रहे तो आप JRF क्वालिफाई हो सकते हैं अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं। और बाकी कैटेगरीज़ के लिए OBC कैटेगरीज़ के लिए मैं 40% और बाकी कैटेगरीज़ के लिए मैं 35 to 40% का कट ऑफ रखता हूँ। तो आपको 200 में केवल 100 मार्क्स बहुत अच्छे से लेकर के आने हैं। और नेगेटिव मार्किंग 0.25% पर सेक्शन टोटल मार्क्स के, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो पार्ट बी में आपके आधे नंबर और पार्ट ए में हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे और पार्ट सी में आपके एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स होंगे। तो उसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारे पास इसी से मिलता हुआ एक एग्ज़ाम होता है जिनको हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जो कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम है और केवल छत्तीसगढ़ कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में है वो ये इस एग्ज़ाम को उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। ये छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा कंडक्ट होता है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आप उसमें बन सकते हैं। ये एग्ज़ाम में टोटल 2 पेपर रहेंगे, अगेन पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 प्योरली जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा और पेपर 2 आपके लिए आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे। जो CSIR का सिलेबस है वह पूरा का पूरा सिलेबस सब्जेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ सेट का होगा। तो जो सिलेबस मैंने आपको 13 यूनिट्स दिखाए हैं वो सब आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे।
तो आपको केवल जनरल एप्टीट्यूड्स के ऊपर अपना काम करना पड़ेगा। अगर आपने वो काम अच्छा कर लिया, ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 150 क्वेश्चंस हमारे पास नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम पे नहीं रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आप लोगों को ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करूँ, हमारे पास ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इन टेस्ट इंजीनियरिंग, अगर आप बायोटेक के स्टूडेंट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। और आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए ये आप बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप बायोटेक बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसमें भी आपको जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और इसमें भी आपको बायोटेक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने एमएससी में जनरल एमएससी में पढ़ा हुआ है। इसका सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। और ये गेट एग्ज़ाम डिफरेंट आईआईटीज और आईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और इसमें तो आप बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस दोनों में ही गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोटेक वाला लाइफ साइंस में एग्ज़ाम नहीं दे सकता और लाइफ साइंस वाला बायोटेक में नहीं दे सकता। तो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप तो आप लाइफ साइंस में फॉर्म भर सकते हैं, आप बायोटेक में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कन्फ्यूजन पे बिल्कुल नहीं रहे। गेट इस बार से नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप दो एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत लाइफ साइंस में यह आती है कि आपको एक पेपर होता है जिसको अपन लोग केमिस्ट्री का पेपर है, वो आप सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा, है ना। बाकी आपको बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि आपको इन पांच सेक्शंस में केवल दो ही सेक्शंस अटेम्प्ट करने होते हैं और इस दो सेक्शंस में 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मिला करके 60 मार्क्स रहेंगे और केमिस्ट्री में आपके पास 25 मार्क्स रहेंगे और 15 मार्क्स आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड के लिए रहेंगे। अगर आप गेट क्वालिफाई होते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और डिफरेंट जितने भी जगह NITs और IITs है वहाँ पे आप PhD एनरोल हो सकते हैं। और आपको ये बात तो पता है कि जो व्यक्ति एक बार IIT के अंदर एंटर कर गया वो उसके लिए कोई भी दरवाजे बंद नहीं रहते। आप IIT में साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप NIT में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किए जा सकते हैं। और हमारे लिए ये फ़ायदा ये है कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास IIT और IIIT के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर टारगेट कर लीजिए और बायोटेक के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से टारगेट करें। एक और एग्ज़ाम जो कि बायोटेक के लिए पहले अफवाह फैला दिया गया कि केवल बायोटेक्नोलॉजी वाले ही दे सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ कि लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेम JRF प्रोवाइड करते हैं, लगभग 100 फेलोशिप या 150 फेलोशिप ये प्रोवाइड करते हैं और आप इन एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई करके आप जा सकते हैं। तो आप DBT भी क्वालिफाई हो जाते हैं, आप PhD परस्यू कर सकते हैं, फिर आपके पास एक ही काम है कि आप LS क्वालिफाई कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप CSIR में JRF नहीं हो पा रहे हैं तो आप बाकी एग्ज़ाम्स में JRF हो जाइए और आप वहाँ से फेलोशिप लीजिए, अपनी PhD पूरी कर लीजिए और बढ़िया से अपने साइंटिस्ट की और असिस्टेंट प्रोफेसर्स वेरियस IITs में, डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप परस्यू कर सकते हैं। DBT एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है जिसके पास जनरल एबिलिटी की थिंकिंग बहुत अच्छी है। वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल जनरल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आता है। आप जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं उसी से ही क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस सत्यनारायण की बुक पढ़ रहे हैं वो उसी बुक से क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप थॉरली पढ़िए। आप जितना अच्छे से MSc करेंगे उतना अच्छे से आप एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो DBT का पेपर उसी के ऊपर फोकस रहता है। इसके दो सेक्शंस होंगे हमारे पास, टोटल 300 मार्क्स के होंगे, 150 150 बोथ सेक्शंस के लिए, माइनस वन नेगेटिव मार्किंग,
नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी पेपर आता है। ये सबके लिए ओपन है, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी दोनों के लिए ओपन है। नेक्स्ट आपके पास एक और, अगर आप इन सब से भी JRF नहीं ले पा रहे तभी भी आपके पास एक एग्ज़ाम है जिसको अपन ICMR JRF कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आप देख सकते हैं कि ICMR का भी कितना अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है, कि वो कितना अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रही है और वैक्सीन्स और कोविड के सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। तो आप उन इंस्टीट्यूट में भी जा कर के आप अपना PhD परस्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप JRF नहीं हो सक रहे हैं CSIR नेट से, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप केवल एक ही के पीछे ना पड़े। आप इन सब में अप्लाई कीजिए, आप सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो चंडीगढ़ इन इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराते हैं, ये और ईजी हो गया एग्ज़ाम। ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इससे, मॉलिकुलर बायोलॉजी से क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कौन सा मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो DNA रेप्लिकेशन में मदद करता है, DNA पॉलीमरेज 3, आपको बता सकता हूँ। ये एग्ज़ाम अभी ICMR 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन एक समस्या है कि पूरा ऑल इंडिया में इसके पास टोटल 120 सीट्स है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे नीट में क्वेश्चन आते हैं ना वैसी सेम टू सेम बायोलॉजी के पार्ट से इससे क्वेश्चन आएंगे, और एक थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड वाला अगेन क्वेश्चन आएगा जिसमें बायोस्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स जो आप पढ़ रहे हैं उसको भी आप हल्के में ना लें, सीरियसली उन सबको लेंगे तो बहुत अच्छे से वो काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्ज़ाम है जिसको अपन लोग बोलते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड, हमारे पास एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट है IGKV, है ना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च उसमें हो रहे हैं। आप ICAR नेट क्वालिफाई करके भी उसमें जा सकते हैं। आपको इस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ICAR नेट होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे कि आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में आप अप्लाई करेंगे, आप ICAR नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सेंट्रल डोगमा किससे कहते हैं, एक वन लाइनर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। आपके पास 150 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, आप जितना अच्छे से उसको टैकल कर सकें। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों के पास हैं और आप बिल्कुल अच्छे से जा सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का एक ऑप्शन है, आपके पास रिसर्च फील्ड में जाने का एक ऑप्शन है, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी जगह साइंटिस्ट भी रिक्रूट हो सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ जो मैं सबसे पहले बात किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, हम नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं और बता सकता हूँ कि वेरियस साइंटिफिक ऑफिसर्स के पोस्ट छत्तीसगढ़ PSC निकालता है, इनमें भी आप जा सकते हैं, इक्वल टू पे स्केल असिस्टेंट प्रोफेसर, इक्वल। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं आपको हर महीने 31,000 रुपीज़ मिलेंगे, प्लस आपको 7,500 रुपीज़ आपको महीने में मिलेंगे, तो आपका कितना हो गया, 38,000 रुपये हो गए, 38,500 रुपये हो गए। आप 2 साल के बाद ये जो 31,000 है ये आपके पास 35,000 में कन्वर्ट हो जाएगा और आप JRF से सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और अभी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट जॉब आपको बता सकता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट का वेरियस पोस्ट CG हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का पोस्ट वो कुछ नहीं है, केवल आपको RT-PCR आना चाहिए, केवल RT-PCR आना चाहिए, आप इस माइक्रोबायोलॉजिस्ट पोस्ट को आप ले सकते हैं और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, 35,000 to 50,000। इतनी सारी सैलरी आपको केवल MSc माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो RT-PCR सीखे और उन्होंने आज वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट में
कि जॉब पे हैं और वो परस्यू कर रहे हैं और कोविड टेस्ट कर रहे हैं, तो इतने सारे गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास ओपन हो गए हैं। ऐसो का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, आपको 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपको सिंपल माइक्रोबायोलॉजी, आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उसी से ही क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको इस पोस्ट को, इस जगह को निकालने के लिए आपके पास केवल और केवल स्टेप है वो आपके पास केवल नेट है। अगर आप इन सब चीज़ों को पास कर जाते हैं तो आप इन सब के लिए आप दरवाजे ओपन कर सकते हैं। अगर मैं एक जस्ट अ मिनट ना, अगर मैं नॉन गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो आप क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। वेरियस फार्मास्यूटिकल, तो क्वालिटी कंट्रोल शायद कुछ पेन का इशू है, तो क्वालिटी कंट्रोल आप समझ जाइए, आप जा सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बता सकता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप जा सकते हैं और उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा ही है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकते हैं। ये बात तो जब मैं MSc कर रहा था तो साधना मैम से ही मैंने इस बात को जाना था, फिर वेरियस चीज़ों को मैंने देखा, वाकई में ऐसा टर्नओवर्स हैं जिससे आप जा सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे जॉब्स हैं, आप परस्यू कर सकते हैं। आप सीधी सी बात, एक ही चीज़ जान के रखिए कि आपको एक ही टारगेट करना है, आपको CSIR नेट। मैं उन चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर बुक्स आपकी स्ट्रैटेजी भी, अगर आप थोड़ा सा 13 यूनिट्स देख रहे हैं, इस 13 यूनिट्स को देख करके डरे ना, बिल्कुल ना डरे। इस 13 यूनिट्स में हमारे पास पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट बी से हमारे पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, और पार्ट ए की बात अभी नहीं कर रहे, केवल सब्जेक्ट्स की बात करें तो। तो इस 13 यूनिट्स में हर एक यूनिट में आपके पास 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम हर एक यूनिट का रहेगा, तो ये हमारे पास 65 क्वेश्चंस तो 100% आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको स्ट्रांगली 6 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तो आपके 30 क्वेश्चंस आराम से फिट बैठ जाएंगे। जो शुरू के 6 यूनिट्स हैं, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाएं तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। और इस 50 क्वेश्चंस में प्रत्येक यूनिट से हमारे पास 4 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी वेटेज थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो कोई भी यूनिट्स, अगर आप 6 से 7 यूनिट्स तैयार कर लेते हैं, आप CSIR क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको मैं मुख्य मुख्य बुक्स के बारे में अगर बताऊं तो बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास एक बुक को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्लियर करते तक पढ़िए। बायोकेमिस्ट्री के हमारे पास लेनिंजर का जो बुक है, बहुत सॉलिड बुक है, इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस तो वो एज इट इज़ पूछ देते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। अगर आप सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे तो मैं जो जो चीज़ें लिखते जा रहा हूँ वो यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, तो प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा दिए जाते हैं इन यूनिट्स से। तो सेल बायोलॉजी के लिए आपके पास जीरेल्ड कारप की बुक है, जीरेल्ड कारप की बुक एकदम सिंपल, कोई लैंग्वेज टफ नहीं है। दूसरी बुक अगर मैं बोल सकता हूँ, एल्बर्ट की बुक है, ब्रूस एल्बर्ट द सेल के नाम से। आपके पास लॉडिश की बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आपके पास कूपर की बुक है, कूपर सी कर लेना इसको ना, कुछ सी के साथ नाटक है। तो कार्प, एल्बर्ट, लॉडिश, कूपर, आप डायरेक्टली कार्प जाके पढ़िए, आपको जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ें वहाँ लिखी हुई है, 100% लिखी हुई है। तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, इन सब पूरे जो मैंने बता दिए ये बुक्स टोटल 4 यूनिट्स के लिए कवर अप रहेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए आप एनिमल डेवलपमेंट के लिए आप स्कॉट एफ गिलबर्ट की बुक पढ़ सकते हैं, स्कॉट एफ गिलबर्ट की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको अपन लोग तेज एंड जीगर कहते हैं। तेज एंड जीगर ऐसा बुक है जिससे CSIR में जो डायग्राम्स हैं वो एज इट इज पेस्ट हो जाते हैं, उसके डायग्राम्स आपको कई चीज़ें देखने को मिल जाएंगे।
मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूफ कर सकता हूँ अगर आपको कोई संदेह है तो। ये बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स है, आप लोगों को ये सब चीज़ें कवर अप करनी है। और एड ऑन के लिए आप लोग इकोलॉजी की बुक पकड़ेंगे, इकोलॉजी में आप लोग ऊडम की बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है आप ऊडम, तो आप इकोलॉजी ज़रूर पढ़ के जाएँ। सिंपल वही चीज़ें हैं कि वाटर इकोसिस्टम, प्लांट इकोसिस्टम, कुछ कुछ थ्योरीज एक्स्ट्रा हो गए, जैसे कि आप लोग लोटका वोल्टेरा ये सब थ्योरीज नहीं पढ़ते, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ऐड करनी है इन चीज़ों में। बाकी आपके पास एक जनरल बायोलॉजी का प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आप इन बुक्स को टारगेट करते हैं, डैम श्योर आपके नेट 100% निकल जाएंगे। अगर आप एक बायोटेक के स्टूडेंट हैं, अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप गाइटन की बुक पढ़ सकते हैं, मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गाइटन, ये सब आप कर सकते हैं। इवोल्यूशन जो आपने पढ़ा है वो सिंपल थ्योरीज, ओपेरेंस थ्योरी और जितने भी स्टेनले यूरेट एक्सपेरिमेंट आपने जो पढ़ के रखा है वही चीज़ें बस है। इन यूनिट्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए, 100% आपका नेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे बुक्स थे, किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का और है? सर, आपने कहा कि 2 इयर्स के पहले हम नेट दे सकते हैं, तो उसमें अगर हमें एमएससी के परसेंटेज नहीं मांगे जाते हैं क्या, जैसे कि आपने कहा जनरल, ये जनरल के लिए 55, तो वो मैं पहले तो नहीं रहेंगे हमारे पास, तो उस पे कैसे करना पड़ेगा हमें? एक चीज़ आपने भी मेरे साथ ऐड कर दिया, तो मैं सबको भी बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपका मास्टर्स में 55% चाहिए रहता है, और बाकी कैटेगरीज में आपके पास 50% मिनिमम आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आना चाहिए, तो ये अदर कैटेगरीज हैं। तो एक प्रॉब्लम आप जैसे आप बता रहे हैं कि अगर हमारे पास 55% या 50% नहीं है, तो आप के पास एक ऑप्शन रहेगा फॉर्म भरते समय, आपके पास रिजल्ट अवेटेड में आप इस कैटेगरी में आप अप्लाई करिए, आप क्वालिफाई करिए, जिस दिन सर्टिफिकेट आएगा उसके 2 इयर्स के बाद, मतलब उस 2 साल के अंदर आप लोग आपके मास्टर्स क्लियर हो जाने चाहिए, तो 2 साल में हो जाते हैं। सर्टिफिकेट भी तुरंत नहीं आता, जैसे कि दिसंबर का अटैम्प्ट हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि कल ही रिजल्ट आ गया, एक महीना कम से कम लगाएगा, 15 डेज लगाएगा। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट अभी NTA हो चुका है, क्योंकि NTA के साथ CSIR ने पैचअप कर लिया है, तो अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के हाथ पे CSIR नेट चले गया। जब मैंने दिया था तब पेपर ऑफलाइन मोड पे होता था, और अभी पेपर ऑनलाइन मोड पे होता है। आप सेक्शंस के बीच में स्विच कर सकते हैं, ऑफलाइन में आपको खोजना पड़ता था कि कौन से सेक्शन में गलती से कहीं गोला लग गया तो गड़बड़ी हो जाती थी, तो आप रिजल्ट अवेटेड में कैटेगरी में आप अप्लाई करिए। आपका जैसे ही डिग्री आता है आप CSIR को भेजिए, वो आपके आपको बोलेंगे कि CSIR को आप मेल करें या पोस्ट करें अपने मार्कशीट्स, तो आप अप्लाई। डी सेम चीज़ DBT के अंदर भी है, सेम चीज़ DBT के अंदर है। मैं हमारे सर्टिफिकेट्स में आप सेट क्वालिफाई हो जाते हैं MSc के पहले, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 इयर्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कीजिए, आप एलिजिबल है। मेरे पास सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि उसमें नीचे लिखे हुए रहते हैं कि 2 इयर्स के अंदर इनका मास्टर्स हो जाए। सेम चीज़ कर सकते हैं, रिजल्ट अवेटेड का उसका बहुत, सेम चीज़ सेट के साथ भी है, सेम चीज़ DBT के साथ भी है, सेम चीज़ आप ICMR के साथ भी है, सेम चीज़ आप ICR नेट के साथ भी है, सेम चीज़ आप गेट के साथ भी है। सर्टिफाई करना रहता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से, वो सिंपल सा कि आप वो परस्यू कर रहे हैं, एक लेटर लिखाते हैं बस, स्कैन करके अपलोड करना रहता है, सिंपल सा फंड है उसका। जी थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन कुछ? सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, ये पूछना था कि कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर एज लिमिटेशंस कुछ है क्या? मैंने जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के रखे हुए थे, ताकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। तो आपके पास एज लिमिट JRF अगर आपको करना है, तो आपको 28 इयर्स
से पहले आपको JRF अवार्ड हो सकता है। और आप लेक्चररशिप के लिए आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। जैसे कि जितने भी JRF वाले एग्ज़ाम्स मैंने आप लोगों को बताए अभी भी, ICMR JRF, DBT JRF, ICAR NET तो लेक्चररशिप के लिए भी है, तो आप उसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। आप CSIR NET लेक्चररशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है उसके लिए एज लिमिट। अब एक आपको एक अपडेटेड न्यूज़ बता सकता हूँ कि जो ये 28 ईयर्स जो है ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है UGC NET के द्वारा। इस बार NTA ने UGC NET जो दे रहे हैं उनको JRF के लिए एलिजिबिलिटी 31 ईयर्स कर दिया गया है अगर वो जनरल कैंडिडेट है, और 5 ईयर्स रिलैक्सेशन जो है, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन बाकी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो जनरल कैटेगरी आप देखते हैं, CSIR का भी फॉर्म नहीं आया, आप ज़रूर उस फॉर्म को भरिए, फिल करिए, और आपको बिल्कुल भरना चाहिए, बिल्कुल फिल करना चाहिए। आप बिल्कुल उस, अगर आप बिल्कुल तैयार नहीं है तभी भी आप फिल करिए, आपको पैटर्न और क्वेश्चन टैकल करने में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। तो 31 ईयर्स अभी UGC NET में हो गया है, अगर CSIR का क्या डिसीजन है, आपको मिड ऑफ अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। NTA की वेबसाइट में अगर आप NTA CSIR टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको 100% ये साइट खुल जाएगा, आपको जितने भी एलिजिबिलिटीज या फॉर्म हैं, जितने भी चीज़ें हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये एज JRF की जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने आपको बताए हैं वो 28 ईयर्स होने चाहिए। गेट में तो और बहुत अच्छा रहता है कि आपको वैलिडिटी 3 ईयर्स की देते हैं। ये JRF की वैलिडिटी, अगर आप JRF क्वालिफाइड अभी हो जाते हैं तो आपको 2 ईयर्स का वैलिडिटी रहेगा कि आपको PhD में एनरोल होना है ना। तो शायद एज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और किसी को कुछ? सर जैसे आपने कहा था कि ICMR हो गया, CSIR हो गया, ये सब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पहले नेट देना पड़ेगा या फिर कोई भी हम लोग एग्जाम दे सकते हैं? कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, सबके लिए एलिजिबिलिटी सिमिलर है। 55% मास्टर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 50% फॉर अदर कैटेगरीज। और दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको बताऊं, CSIR में अगर आपने अटेम्प्ट दिया, अभी वाला अटेम्प्ट दिया, आपका LS निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने LS निकाल लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने साइमल्टेनियसली गेट का फॉर्म भरा जो कि मोस्टली सितंबर में ओपन होगा, एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में होता है, डिफरेंट IITs या ISCs इन सबको क्वालिफाई इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, तो इस बार शायद IIT दिल्ली ने करवाया था। सिंपल एग्ज़ाम है, मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये एग्ज़ाम। तो आप गेट पे 100 रैंक के आसपास अगर आप ले आएंगे तो अभी भी आपको फेलोशिप मिल सकती है, आपका डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में डायरेक्टली। IITs वाले लोग गेट स्कोर जिनका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से उनको ले लेते हैं। IITs का वैसे थोड़ा सा फंडा अलग है कि गेट्स आपके पास है, आपके पास CSIR भी है, तभी भी आप IITs में PhD कर सकते हैं। अगर आपके पास गेट है तो आपको आपका जो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है PhDs में वो और बढ़ जाता है। फिर वो एक एग्ज़ाम लेंगे, सिंपल एग्ज़ाम रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा, इंटरव्यू होगा और आप IITs में अंदर हो जाएंगे। तो आप CSIR से LS क्वालिफाई कर लीजिए, आपने उसी ईयर में अगर DBT का फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ से JRF हो जाइए, सेम फंडिंग आपको मिलेगी, सेम चीज़ें, सब चीज़ें आप लोगों को, कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाकर के PhD एनरोल हो सकते हैं, आपको लेटर वो भेजेंगे और आप उनको आप PhD रजिस्ट्रेशन करवा के दीजिए, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी।
मैं फिर से वही बोलूँगा कि अगर आप डीबीटी भी नहीं निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं, आप आईसीएमआर जेआरएफ निकालिए, आप एक जगह एलएस हो जाइए। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट पर रहना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ सेट सेट निकालिए और एलएस निकल गया आपका। इसमें आप किसी किसी भी एक जेआरएफ को टारगेट कीजिए, आप पीएचडी में एनरोल हो जाइए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जितने भी पीएचडी एंट्रेंसेस अभी होते हैं वो एंट्रेंस आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप छत्तीसगढ़ सेट या सीएसआर नेट क्वालिफाइड है, वेदर जेआरएफ और एलएस आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आएंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजी आप याद करेंगे कि केवल सीएसआर जेआरएफ के पीछे ना पड़े, आप इन पूरे ऑप्शंस को ओपन करके रखिए और सभी एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि हो सकता है कि सीएसआर हमारा थोड़ा सा लक फैक्टर ठीक ना हो, हम एलएस क्वालिफाई हो गए, तो आप बाकी जेआरएफ निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो एमएससी प्रीवियस पे है उनके लिए मैं एक और फंडा अपना सकता हूँ जो मैंने अपनाने की कोशिश करी थी और सफल भी हो गए उसमें, कि अगर आप एमएससी में पूरे यूनिवर्सिटी टॉप कर देते हैं, जैसे कि आप आपका जो बेसिक बीएससी और एमएससी आपका जो हो रहा है वो साइंस कॉलेज रायपुर से हो रहा है, जो जो अफिलिएशन रविशंकर यूनिवर्सिटी के साथ है से है, तो अगर आप पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, पूरे यूनिवर्सिटी में अगर आप गोल्ड मेडल लेते हैं, तो आप एक जगह और अप्लाई कर सकते हैं जिसको अपन कहते हैं इंस्पायर। इंस्पायर जो है ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स के लिए है, सेम फेलोशिप सेम क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। तो इंस्पायर फेलोशिप जो है यूनिवर्सिटी टॉपर्स को दिया जाता है और जो इंस्टीट्यूट है वो है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप इंस्पायर फेलोशिप ले सकते हैं, इसमें कोई एग्ज़ाम देना की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आप एलएस क्वालिफाई करिए, आप यूनिवर्सिटी टॉप करिए, इंस्पायर फेलोशिप लीजिए और पीएचडी में रजिस्टर करिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे।